अस्सलाम वालेकुम पाकुलस, मेरा नाम है सुनील मांझी। मैं पाकुल रिव्यू सीरीज़ का एक और एपिसोड था, आपकी तरफ हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, अगेन ये पहले हमने किया था बट वो सीबी यूनिट का था, ये सीकेडी है। मेरे साथ अरमान पाशा मौजूद है। अरमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो अरमान, हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट बताइएगा। MGHS एसेंस। एसेंस इज लाइक जो इसका मेड इन पाकिस्तान। यस यस, सही। और ये आपने ली है अभी कितना अर्सा बोली है? आज फिफ्थ डे है। फिफ्थ डे, माशाल्लाह, पाँच दिन में आपने, मैंने देखा था, काफ़ी चलाई है। अच्छा, तो ये किस प्राइस में जो है आपने ली है? ये मुझे पड़ी है 8263 की। 8263, और आज मेरा ख्याल है इसकी प्राइस बढ़ भी गई है। 89 आज बढ़नी थी मेरे ख्याल से, 89 समथिंग होगी। अच्छा, हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब आपने गाड़ी लेनी थी तो परचेज डिसीजन क्या था, क्या कोई और गाड़ियाँ भी आप कंसिडर कर रहे थे क्रॉस ओवर एसयूवी में? यू जस्ट वॉन्टेड यार मैंने एमजी ही लेनी है। सुनील भाई, मेरा एसयूवी का कोई प्लान नहीं था। मैं लेने गया था सिविक। मैंने सिविक देखी नई वाली, बिकॉज मेरे पास सिविक ही रही है शुरू से ही, ठीक है। और सिविक एक्स चला रहा था मैं पहले 2021, और मुझे उसको अपग्रेड करना था। नई सिविक जो थी मुझे वो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसमें वो फीचर्स नहीं मिले और वो ओवर प्राइस लगी मुझे। मैं फिर भी ले लेता, लेकिन वो डिलीवरी टाइम बहुत मुझे जो है ना देर से दे रहे थे। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना एसयूवी पे आ जाओ। सही है। फिर मैंने स्पोर्टेज देखी, पर्जियो देखी, और ये देखी, और भी कुछ गाड़ियां देखी। और लेकिन उसमें प्रोडॉन X70 भी है। नहीं, वो नहीं देखी। हैवल, हैवल देखी थी, ठीक है। लेकिन डिलीवरी का इनका टाइम था काफी ज्यादा, तो डिलीवरी कंस्ट्रेंट के बाद आपको ये सिर्फ ये समझ आई? ये अच्छी थी क्योंकि मुझे फौरी तौर पे मिल गई, ठीक है। अच्छा, तो अभी 5 दिन में तकरीबन 500 किलोमीटर जो चलाई है, हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस सो फार, के कैसा लगा आपको? द एक्सपीरियंस इज रियली गुड, यू नो, मेरा जो ट्रिप है बहुत अच्छा गुजर जाता है और बड़ा सुकून से गुजरता है। सही है। कुछ मसले मसाइल हैं जो मुझे अभी तक महसूस हुए हैं। अच्छा, वो जो पहला मसला है इसका, वो है इसकी ब्रेक का मसला, ठीक है। मतलब इसकी ब्रेक उस तरह नहीं है जो, मतलब एक तरह ब्रेन सिग्नल देता है ना पाँव को, सही है, गाड़ी रुकती है, सही है। इसका वो सीन नहीं है, इसका थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं कंपनी ने क्या आती है। एग्जैक्टली, सही है। दूसरा, इसकी एसी की जो थ्रो है ना वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इसका जो ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम है थोड़ा सा लैगी है, थोड़ा सा ये बबलू के साबुन की तरह स्लो है। थोड़ा हाथ लगाओ ना, थोड़ी देर से करता है, बिल्कुल ठीक करते हैं। ये तीनों चीजें जो आपने बताई है मैंने रिव्यू में कही हुई, आप जाके देख लीजिएगा कि मैंने कही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, मैं लोगों को बता दूं। अक्सर लोगों को होता है कि शायद मैं रिव्यू में लोगों से पैसे लेके फिर उनको लेके आता हूँ, या सिफारिश होती है, तो मैं आपको नहीं जानता था। इस केस में भी हमने सीबीयू का किया था, सीकेडी का नहीं था, इसलिए ये रिव्यू किया गया। तो मैं इन सबके लिए बता रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं, कि अगर आपके पास भी ऐसी गाड़ी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या राइट रिव्यू के हमारे पार्क पे ना ऑप्शन है, वहाँ जाकर ले सकते हैं और आप भी अपने आप को फीचर करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये तीन जो है मसाइल, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है? नहीं, इसके अलावा फिलहाल तो अभी तक 5 दिनों में कुछ नहीं है। अच्छा, अगर इसके सेलेंट फीचर्स अगर बात करें, जैसे आपने बताया था कि फीचर सेट में सिविक बहुत पीछे थी, और अगर आपने इसको कंपेटिटर से भी देखा, तो व्हाट वर 3-5 फीचर्स जो आप कहेंगे यार ऐसे की फीचर्स है जो कि मुझे, मेरे इस डिसीजन को वर्थ वाइल बनाते हैं कि मैंने फलानी चीज इसलिए नहीं ली? सिविक समझ आ गई कि सिविक में ऑप्शन नहीं थी उसमें, मतलब क्रूज भी नहीं है। बाकी कंपेटिटर से इसके कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि आपको लगता है कि इसको कंपेटिटिव एज देती है? सर, इसकी जो अंदर से इसका रूम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड है बाकी गाड़ियों के नस्बत। सही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की है प्लास्टिक में, जो इसका लेदर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एम्बियंट लाइट्स दे दी हैं इसके अंदर। सही है। जो कि एक अच्छा फील आपको दे दी है गाड़ी में, रात को बैठो आप ड्राइव पर जाते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी फील मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका जो डिज़ाइन है बड़ा स्टाइलिश सा लगा, ठीक है। अगर पर्जियो बोलते हैं, पूजो में अगर एक मॉडल है 3008, तो पाकिस्तान में है ही नहीं, अभी तक नहीं आया। सीबी यूनिट आया, उसका हमने रिव्यू किया था पहले, देखना चाहता। अगर वो आया हुआ होता तो मैं डेफिनेटली मैं वो गाड़ी लेता, क्योंकि वो बहुत स्टाइलिश, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, ठीक है। तो वो था नहीं, और जो 2008 था वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। अगर इसकी ऑप्शंस की बात करें, एडास के जो इसके फीचर्स हैं वो भी उनमें नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा एडेप्टिव क्रूज है, लेन असिस्ट है, लेन डिपार्ट है, ऑटो ब्रेकिंग है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। इन सारों में से कोई फीचर जो तंग करो, या कोई आप कहें कि अरे कमाल ये बड़ा अच्छा फीचर है? नहीं, मुझे फिलहाल तंग किसी ने नहीं किया। एक इसका फीचर था, उन्होंने बंद कर दिया, वो इसमें बंद कर दिया, ब्रेकिंग वाला कोई वाला, सामने कोई आ जाए ना तो एकदम ब्रेक लगा। या, वो पुराने यूनिट्स में आ रहा था, लेकिन सबके पाकिस्तानी बन रहे हैं उसमें, उन्होंने बंद कर दिया। हां, ये दो तीन चीजें लोकल वाली में, इन्होंने वो कर दिया है कि इसमें लोकल मैप भी आ गए, वो चला के देखेंगे अभी? मैंने तो अभी तक नहीं देखा इसको, इसमें लोकल मैप भी है। अच्छा, और इसमें एंड्रॉइड ऑटो और उसका जो है कारप्ले भी आ जाता है, एप्पल कारप्ले, वो मैंने यूज किया था इसमें, ठीक है, सही चल रहा था, सही है। अच्छा, अब ये जो इसकी एक और चीज के बारे में लोगों की परेशानी होती थी, वो ये थी कि जब आए थे शुरू में तो पार्ट्स के बारे में लोग परेशान होते थे कि यार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस बारे में कोई थोड़ी रिसर्च की? अगर आप कह रहे हैं आप पहले सिविक रखते आ रहे हैं, तो सिविक हैज बीन अराउंड सिंस 1994, और तकरीबन अब 2 दहाइयां हो चुकी हैं, उनके पार्ट्स का मिलना, आफ्टर मार्केट में भी मिलना, सर्विस होना बड़ा कोई इशू नहीं है,
बट एम जी बींग न्यू प्लेयर अभी उनको आए हुए 3 सालों में तो कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार इसके पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई होमवर्क किया नहीं सुनील भाई, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। और रही बात होंडा की, होंडा सिविक इज अ गुड कार, एक अच्छी गाड़ी है, इसमें कोई मसला मेरा, मैंने 2 साल रखी वो भी अप्लाइड फॉर ही ली थी, सही है, 1.5 साल 2 साल, उसने एक मसला नहीं निकाला, सही है, कोई मसला उसका आया ही नहीं कभी भी आज तक। तो जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसके पार्ट्स का ये सब चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी कम इसकी रेशियो रह जाती है कि वो ख़राब होंगे या, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो गाड़ी, ये गाड़ी जो है ये सिर्फ मैं चलाता हूँ, सही है, इससे कोई भी नहीं चलाता, सही है, तो जब मेरे एक हाथ में गाड़ी चलती है इसमें कोई मसला निकलता ही नहीं है, ठीक है, मतलब वो हमारे जैसे लोगों का जिनकी गाड़ी यूज़ होती है पुरानी उनके मसले मसाइल है पार्ट्स वाले, आपने पार्ट्स के बारे में इतना नहीं सोचा? नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, अगर हो भी तो सर सब कुछ मिल जाता है, पैसे खर्चने चाहिए, ये तो है। इंश्योरेंस कराई गाड़ी? करवानी है ईद के फौरन बाद, करवा ले, बिकॉज पाकिस्तान में आजकल जो हालात है ना सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट्स के या गाड़ी के पार्ट्स चोरी होने के, तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, बल्कि हमने कराची में ज्यादा है, कराची पेज में भी बना दिया हमने जिसपे ना इंश्योरेंस का और जो तकाफुल दोनों अवेलेबल है, अगर किसी ने क्राइम दे कराची में आजकल वो देख रहे हैं ना, वो आजकल एक म्यूजिक चल रहा होता है उसके साथ फिर बता रहा था गाड़ी के सारे पार्ट्स गायब हो गए। I used to hate this car, जब ये नई आई है ना मुझे कहा यार ये गाड़ी अच्छी नहीं है, सही है, और देखें I ended up with this। तो और ये जो हेट से लव का सफर कैसे था? नहीं लव अभी नहीं हुआ, लव अच्छा। तो इसके साथ ही टाइम लगता है, अच्छा आप वक्त गुजारते हैं किसी चीज के साथ, किसी इंसान के साथ, फिर भी मतलब फ्रॉम हेट टिल दिस यू नो बाइंग मुझे अच्छी लगी, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं थी तो मुझे गाड़ी, सो इट्स लाइक समथिंग व्हिच ग्रो ऑन यू टाइम, आपने उसको इंटरनलाइज किया कि यार ये अच्छी है, इट्स नॉट लाइक दैट लैक ऑफ अदर चॉइसेस, आई जस्ट बॉट इट फॉर द हेक ऑफ इट, ऐसा कोई सीन नहीं था, आई जस्ट लाइक्ड इट और इट वाज अ गुड ऑप्शन अमंग ऑल कार्स, सो आई प्रेफर दिस कार, सही। अच्छा तो अभी आपने 500 किलोमीटर चलाई है, फ्यूल एवरेज का तो आइडिया नहीं होगा बस? फ्यूल एवरेज मेरे ख्याल से मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत इसका, क्या शहर में मुझे जो है इसका मिलेगा आई थिंक 11 विद एसी, लॉन्ग पे तो अभी गई नहीं गाड़ी, सही। ये शहर में जो आपको 11 मिलेगा किसने बताया आपको? मैं भी चला रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं उसमें आ रहा होगा यार, मैं आपको दिखाता हूँ ना, मेरे ख्याल से तो अच्छा अभी फिलहाल आई थिंक 9 आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है 13.9, आगे क्या लिखा हुआ है पर लीटर 100 किलोमीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर है, ये उल्टा ये लोगों को साइकोलॉजिकल लगता है, दिस मींस ये 7 या 8 की एवरेज दे रही है अभी फिलहाल, हाँ बहुत प्यार से चलाएंगे तो शायद 10 दे दे और लॉन्ग पे भी 11 ही देती है, बट जो इसका मेन इसका यूएसपी है ना गाड़ी का वो उसकी फ्यूल एवरेज नहीं है, वो इसकी ऑप्शंस हैं, इसका कंफर्ट है, मतलब इसके अंदर तमाम वो ऑप्शंस हैं, मैं हमेशा लोगों से बात कर रहा था कि इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट भी है, रात को अपन जा रहे हैं अंधेरे में स्मार्टली खुद ही तेज हो जाएगी, ये बहुत अच्छा फीचर है, गाड़ी आ रही की खुद ही कम हो जाएगी, ऑटो डिमिंग मिरर है, रेडार के सारे फंक्शन है, पैनोरामिक सनरूफ है, इसकी सीट जो बकेट सीट है वो इतनी कंफर्टेबल है, जब मैं इसका रिव्यू करता मैंने तकरीबन 1100 किलोमीटर चलाई एक दिन में, अच्छा एंड नेक्स्ट डे आई वाज वेरी फ्रेश, कोई इसमें वो नहीं था, सो उस लिहाज से सिर्फ इसके पहिए बचाइएगा, इसका अच्छा। जो पहिया है वो एक मैंने फाड़ा था वो 85,000 रुपए का उस जमाने में था, तो लाख रुपए, अब लाख रुपए से ऊपर होगा, सो ये इसकी सूरत हाल है, बाकी जो है मेरा ख्याल है सीबी और सीकेडी में बाकी चीजें तो सेम है, और विद टाइम विद टाइम आपको पता लग जाएगा कि मतलब आपका डिसीजन, पाकिस्तान में वैसे यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग अ 0 मीटर का, एग्जैक्टली आप जब लेते हैं अगले 3 महीने बाद और महंगी होती है, सर वो बेशक महंगी ना हो लेकिन आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि यू आर द वन जो उसको चला रहा है, हाँ किसी और ने नहीं चलाई हुई, और नहीं चलाई हुई ना, सही सही। अच्छा आपने इसके अलावा पार्क व्हील्स की जब भी अपनी गाड़ी ले रही है तो मैंने अंदाजा लगा लिया आपने हमारा रिव्यू नहीं देखा था, लेकिन आपने पार्क व्हील्स की कोई सर्विस यूज की है? पार्क सर सारी गाड़ियां मैंने पार्क व्हील्स पे बेची हैं अपनी, अच्छा बेची हैं, हाँ जी। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, ऐड लगाते थे 2 दिन के बाद गाड़ी चली जाती थी, या फिर वो होंडा या टोयोटा का सीन था, सही है, पहले यही चलाई है, नहीं पाकिस्तान में आप कोई भी गाड़ी हो सबका एक ही सीन है, बिकॉज गाड़ियां जो है वो एक स्कार्स रिसोर्स है और उनकी प्रोडक्शन भी हमारे मुल्क में भी रुकी हुई है। रजिस्टर करा लिया आपने गाड़ी? नहीं अभी नहीं, अभी इसका पेपर्स ही नहीं आए, क्या जो पेपर्स इसके हैं वो 6-7 दिन कह रहे थे मजीद लगेंगे एमजी वाले, अच्छा तो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अच्छा एक और आजकल नया क्राइटेरिया आपने अपने अपने नाम पे ली गाड़ी? हाँ जी, एक मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ उस वीडियो के द्वारा से क्लियर करता हूँ, अक्सर लोग होते हैं वो गाड़ी जब ले रहे होते हैं ना वो कहते हैं लेके पे अपने नाम ट्रांसफर करा लेंगे ऑन पे ले लेंगे, तो आजकल तो ट्रांसफर के ऊपर भी विदहोल्डिंग टैक्स दोबारा है, फिर CVT दोबारा है, तो पेनी वाइज पाउंड फुल इशू होता है, आप जा रहे होते हैं गाड़ी लेने की सस्ती मिल गई, फिर जब आप उसको रजिस्टर कराने जाते हैं तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन 3 लाख की पड़ी है और मैं आपके नाम की गाड़ी लेके फिर ट्रांसफर करा के फिर कराता हूँ तो वो 7-8 लाख पे पहुंच जाती बात, तो अगर आप कोई भी ऑप्शन दी थी उन्होंने, मुझे ऑप्शन उन्होंने दी थी कि पिछले साल का मॉडल ले लें आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मैंने प्रेफर नहीं किया, वो फिर पेनी वाइज पाउंड फुल वो सस्ती वैसे मिलनी थी, और लेकिन जब आपने रजिस्टर कराने जाना था वो महंगी जानी थी, अच्छा सो ये थी एक मैसेज इन लोगों के लिए जो भी लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो मैंने कहा क्लेरिफाई कर दूँ अक्सर लोगों को पता नहीं होता, सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।